इतना फिट किस्म का बैठ के चारपाई पे तो लेटा हुआ था। खाने के लिए गया हूँ तो वो बोलते हैं भाई हमारे पास सिर्फ अभी आलू गोभी बची हुई है, तो ये तो हमारे साथ प्रैंक ही हो गया एक हिसाब का। ये जो अभी हमारा आ चुका है ये तंदूरी पराठा, ये मटन पाए और ये इनके चने। अस्सलाम वालेकुम हवातीन हजरात, आपका भाई एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आज हम निकले हुए हैं बाहर गाड़ी पे और आज हम जीटी रोड पे एक वीडियो बनाएंगे, जो कि जीटी रोड पे जो भी हमें कुछ दुम्बा कढ़ाइयाँ बट कढ़ाई वगैरह जो भी कुछ मिलेगा, देसी मुरक्की कढ़ाइयाँ, हम सब कुछ ट्राई करेंगे। अभी हम जा रहे हैं वज़ीराबाद सीधा, तो वज़ीराबाद से आगे जीटी रोड पे जो कुछ भी हमें नाश्ते में कुछ जो भी अच्छा स्पॉट को मिल के चेक करेंगे, जो अच्छा लगा उसी पे नाश्ता करेंगे। फिर उसके आगे जाके जो भी जीटी रोड पे यानी सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे हम खाना टोटल जीटी रोड पे ही करेंगे और आपके साथ रिव्यू करेंगे। तो चलें देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज हमको क्या कुछ खाने को मिलता है। As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an, Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allah। यार हम तो मायूस होकर इधर आ गए हैं। अभी मैं इतना फिट किस्म का बैठ के चारपाई पे तो लेटा हुआ था, खाने के लिए गया हूँ तो वो बोलते हैं भाई हमारे पास सिर्फ अभी आलू गोभी बची हुई है, तो ये तो हमारे साथ प्रैंक ही हो गया एक हिसाब का। तो चलें अल्लाह के घर से उम्मीद तो है को अच्छा इंशाल्लाह और होटल मिल जाएगा, तो चलें रास्ते में देखते हैं। लें जी अभी हम पहुंच चुके हैं ये एक होटल पे, बहुत ज़्यादा ख्वारी का हुई है आज तो हमें। नाश्ता ढूंढने निकले थे वज़ीराबाद जीटी रोड पे, ये अभी हम तकरीबन जेहलम के करीब पहुँच चुके हैं, तो इधर ये एक होटल मिला हमें, तो चलें चल के देखते हैं इनका माशाल्लाह नाश्ता कैसा है। ये जो अभी हमारा आ चुका है ये तंदूरी पराठा, ये मटन पाए और ये इनके चने। ये आज इनका तंदूरी स्पेशल पराठा, काफ़ी हस्ता और माशाल्लाह गर्मा गर्म। तो मैं सबसे पहले ट्राई करूँगा ये मटन पाए। कुछ समझ नहीं आया, कोई ट्राई करता हूँ बाइट लगा कर। अच्छा यार टेस्टी, मज़ा रिच टेस्ट है इसका, और मसाला जो डाला हुआ है बहुत ज़बरदस्त किस्म का मसाला डाला हुआ है, मज़े का मसाला। तो बड़े कहते हैं ना अगर पाए खाने और हाथ खराब नहीं किए तो आपका ये देखें माशाल्लाह, अगर पाए खाने हैं तो ये हाथ तो करने पड़ेंगे सारे खराब। ये टेंडरनेस का लेवल देखें माशाल्लाह, ये हाथ में पकड़ने से ये सारा आ रहा है। तो ये एक चक में ये चेक करूँगा इस पर, अखीर किस्म के ना ये गले हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये बोटी पकड़ी है और ये ऐसे हाथ से जा रही है, ये देखें
जो नस्ली किस्म के होते हैं ना पाए, ये माशाल्लाह वैसे बने हुए हैं, बहुत अला किस्म के टेंडर हैं। और मुझे गोश्त पसंद भी ऐसा है कि जो बस मुंह में रखो और भूल जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे किस्म के पाए। अब ये इनके चने स्पेशल, चने चाहिए यार, ये अलग ही टेस्ट है इसका, मैंने आज तक कोई इस तरह का चने खाए नहीं हुए। ये मेरे ख्याल में चने और दाल मिक्स है, सिर्फ चने नहीं है। इसमें कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना बहुत हावी हुआ होगा, लेकिन मसाले परफेक्ट, माशाल्लाह मज़ेदार ज़बरदस्त। जीटी रोड पे जितनी आज खुआरी हुई है सिर्फ एक नाश्ते के लिए, अगर उस लिहाज से ये मेरे ख्याल में अच्छा नाश्ता है। मियाँ जी का हमने छोड़ा क्योंकि वो पहले एक बार कर चुके हुए हैं, उनकी वीडियो भी आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन ये अगर आप सफ़र कर रहे हैं लाहौर या किसी भी शहर से इस्लामाबाद के लिए, तो रस्ते में ये नाश्ता मकबूल है, अच्छा है। तो ले जी, अभी हमारा नाश्ता हो चुका है और माशाल्लाह नाश्ता अच्छा था और प्राइस भी रिजनेबल थी, यानी जीटी रोड के हिसाब से। एक पाए थे, चने थे, पराठे थे और उसका टोटल बना 700 रुपये, तो एक रिजनेबल प्राइस थी, अच्छी थी माशाल्लाह नाश्ता का। अभी हम ये एक रोड साइड पे रुके हैं सरदाई पीने के लिए, ये डेरा गाजी खान की मशहूर सौगात है। तो ये हमारी सरदाई आ चुकी है, एक बार इसको आपका व्यू दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, इसमें साथ में ये डाला हुआ उन्होंने तो हम मलंगा और सरदाई है, तो टेस्ट करके देखते हैं। यार हम देसी लोग हैं और ये ट्रा वाला का काम अच्छा नहीं है। ये निकालो यार, बिस्मिल्लाह, क्या अखीर मजा है इसका यार, बादाम की ताजगी, तो हम मलंगा का रिच टेस्ट और साथ में माइल्ड सा मीठा इसका, ज़्यादा नहीं है। और जैसा बर्फ़ी का टेस्ट आता है ना, उस तरह का कुछ टेस्ट है इसका, बहुत ज़्यादा मज़े का माशाल्लाह। ओए होए, जान से जान आ गई है यार, ये सरदाई का मग्गा एक बार जान डाल देगा आप में। अगर जीटी रोड पे सफ़र कर रहे हैं ना, तो थकावट आपके ऐसे सेकंड में गायब हो जाएगी। अभी हम आ चुके हैं जी नोना हलवाई की दुकान पे। ये मैंने RHS की वीडियो से देखा था, तो दो बार असल में उसकी मैंने वीडियो देखी है, तो वो इसकी पूरी बनवाई भी उसने दिखाई हुई है और सारा इसका पहले उसने चेक किया हुआ। तो ये मैंने गुजर रहा था तो सोचा कि ये इतनी हाइप है तो इसको क्यों ना एक बार चेक किया जाए। और वो तो जब मैं अंदर गया हूँ तो रश देखा इतना, माशाल्लाह को 20-25 लोग होंगे एकदम इकट्ठे, और वो जो कटाई कर रहे थे तो माशाल्लाह अच्छा रश था। अब ये मिठाई तो मुझे लग रहा है शायद गुड़ होगा इसमें, इतना इसका डार्किश कलर है। वैसे बर्फ़ी जो होती है वो तो वाइट कलर की होती है, तो चलें चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, यार ये तो ऐसे सिर्फ खोया और इसमें थोड़ा सा ना बस मीठे का टच दिया हुआ है, बिल्कुल खोया मलाई है सिर्फ, जबरदस्त यार। इनका नाम ऐसा ही नहीं है, इसका जायका भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा मजे किया, क्रीमी जायका इसका। और ये इसका यानी टेक्सचर देखें, बिल्कुल नरम सी है, कुछ होती है ना बर्फी हार्ड होती हैं, ये बिल्कुल ऐसे खोया जैसे बिल्कुल अभी परात से निकाला हुआ है, बहुत ज़्यादा मज़े का माशाल्लाह। पूरा मक्खन मलाई खोया यार, और इसमें मेरे ख्याल में गुड़ नहीं है, है चीनी, लेकिन ये पकाई शायद इतनी ज़्यादा इसको कि इस वजह से इसका कलर डार्क हो गया, लेकिन ये इतना कुछ टेस्ट है यार माशाल्लाह ज़बरदस्त। मैंने आज तक खासकर बर्फ़ी इस तरह की नहीं खाई, हाँ सियालकोट में एक गुलाम रसूल की है, लेकिन ये उससे भी माशाल्लाह अच्छी है। अभी हमने ये नोना हलवाई की खा ली है मिठाई, अभी हम देखेंगे कोई
चिनवारी दुम्बा ऑथेंटिक मिल जाए तो साथ में वो भी आज ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। ये जीटी रोड पे अगर कोई मिलता है ना रेस्टोरेंट तो उस पे हम ये चेक करते हैं, कोई इंशाल्लाह मिल जाएगा अच्छे वाला। अभी हम आ चुके हैं ये जी असल शिनवारी रेस्टोरेंट, इधर हम कुछ ट्राई करेंगे शिनवारी दुम्बा कढ़ाही और काबली पुलाव वगैरह जो मिल गया इनके पास, रोश वगैरह सब कुछ ट्राई करेंगे। ये गुजरात बाईपास के करीब है ये होटल, तो चले अंदर चल के इनका देखते हैं जायका वगैरह कैसा है, ट्राई करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद यार एक मौका मिला, ये सऊदीया वाली फील आई है कि ज़मीन पे बैठ के खाना खाने का मौका मिला, और ये इस रेस्टोरेंट पे कुदरती ऐसा सिस्टम था तो मैंने इधर ही लगवा लिया। बाहर भी इसका काफ़ी सीन था, वो बेंच से बने हुए थे, उधर भी बैठ के आप खाना ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा सऊदीया वाली फील थी तो मैंने ये इधर ही लगवा लिया खाना। तो चले जी अभी ये हमारा काबली पुलाव आ गया, ये बीफ काबली पुलाव है, तो इसका यार बहुत यूनिक सा टेस्ट है इसका। इसमें पुलाव के साथ गाजर की मिठास आ रही है, और ये जो बीफ है ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रोस्ट किया हुआ है, जैसे ऑयल में फ्राई करके डाला हुआ है, नहीं तो मैंने जो काबली पुलाव देखे हैं वो गोश्त टेंडर होता है, लेकिन इसका गोश्त थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ऐसे फील दे रहा है जैसे ये फ्राई किया हुआ है। और ये जो चावल है ये बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, बीफ थोड़ा सा मुझे स्टिकी लग रहा है, लेकिन चावल का जो जायका है इसमें गाजर की मिठास आ रही है ना वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ये आ गई है जी हमारी मटन कढ़ाही यानी शिनवारी कढ़ाही। सबसे पहले मैं ये जो इतनी हाइट सुनी हुई है ना ये चक्की की, उसको लूँगा और साथ में टमाटर प्याज वगैरह लेके। ये थोड़ी सी चक्की और ये थोड़ा सा मसाला। ओए ओए यार ये चक्की तो ऐसे जैसे मलाई है ना मुँह में ऐसे घुली है, क्या ही बात है माशाल्लाह। वैसे जो बीफ फैट वगैरह या बकरे का फैट है मुझे उससे समझे एलर्जी है, मैं नहीं खाता। और ये मैंने इतने सुना हुआ था ना ये बकरे की चक्की वगैरह का, ये तो आखिर लेवल की यार मज़ेदार है। ये ऐसे जैसे मक्खन मलाई मैं एक और ट्राई करूँगा ये चक्की। ओह यार कसम से बहुत ज़्यादा मज़े किया, ऐसे मुँह में भूल रही है ना कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये मैंने रान का गोश्त कराया था साथ में दस्ती का बल्कि, तो ये गोल कोटी है तो ये पहले चेक करता हूँ। यार इतना को टेंडर गोश्त हुआ हुआ है ये देखिए, ये कैसे इसके रेशे अलग हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंडर है, और टमाटर की इसमें जो मिठास आ रही है और थोड़ी थोड़ी खटास, सुभान अल्लाह। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि ये माशाल्लाह दी बेस्ट शिनवारी कढ़ाई थी, मैंने आज तक ये भी कहीं पे ट्राई नहीं की हुई थी, लेकिन ये शिनवारी कढ़ाई भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मज़े की है। हरी मिर्च मेरी हर जगह पे फेवरेट है, तो मैं ये इसको थोड़ा सा लगा के तो चेक करूँगा, हरी मिर्च थोड़ा सा एक मोटी और ऊपर अदरक के टुकड़े, एक पूरा बाइट बन गया तो इसको देखते हैं बिस्मिल्लाह। यार मैं समझ तो रहा हूँ कि जो दुम्बे का गोश्त होता है ना उसमें चर्बी होती है तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता, इन्होंने शायद इनका बनाने का कुछ तरीका ऐसा था या जो भी,
मैं ऐसे इसका फैन हो गया, मुझे मतलब मटन से भी ज़्यादा इसका मज़ा है, मुझे मटन वैसे मेरा फेवरेट है, लेकिन ये जो दुम्बा है ना इसने अखीर कर दिया है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माशाल्लाह। और ये लास्ट पे पेशावरी कावा ने पिया शिनवारी कढ़ाई खाने के बाद, तो ये फ़ायदा कोई नहीं। और ये इन्होंने साथ में गुड़ दिया है, ये थोड़ा सा मुँह में गुड़ रखो तो ये हल्का हल्का कावे का सिक्ल। मज़े का यार।